दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पा सकें। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल से अपने किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को बस एक ही क्लिक में चेंज कर सकते हैं। जहाँ फ्रेंड्स सिर्फ आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका फोटो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आज मैं इसी पे आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। मेरा नाम है शोएब और आप देख रहे हैं टेक्नोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको टेलीपोर्ट फोटो एडिटर इस ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। इसके 4.2 की रेटिंग है फ्रेंड्स और 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद ऐप को ओपन करिए। दोस्तों ऐप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन है। आपको सेटिंग में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है और आप फ्लैश लाइट को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऑन ऑफ। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कैमरे की। तो आप फ्रंट कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज ये बैक कैमरा ही सही रहेगा। और अगर फ्रेंड्स आप गैलरी में से अपना फोटो लाना चाहते हैं तो आप गैलरी का ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको कैप्चर का ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं फोटो को। तो चलिए फ्रेंड्स मैं गैलरी में से एक फोटो ले लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आप। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गैलरी से फोटो ले लिया हूँ और यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो 10 से 15 सेकंड लेगा आपका फ्रेंड्स, उसके बाद ये अच्छे से वर्क करेगा, आप एडिट कर सकते हैं फोटो को। तो चलिए उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे बाल का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ पे आपको कई कलर मिलते हैं, आप किसी भी कलर को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग में लोडिंग होगा फ्रेंड्स, तो वेट करिए 2 से 3 सेकंड। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई कलर आपको मिलते हैं। और बात करते हैं फ्रेंड्स बैकग्राउंड की। तो आपको बैकग्राउंड में देखिए, बैकग्राउंड पर जाते ही आपका ये जो पीछे का बैकग्राउंड है चेंज हो जाएगा। आप कोई भी कलर कोई भी बैकग्राउंड आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देख सकते हैं ऐसा लगेगा फ्रेंड्स कि जैसे मैं वहाँ पे रियल टाइम में था वहाँ पे, तो उस वक्त वैसा आपको यहाँ पे सेट करेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कई तरह के वॉलपेपर्स यानी बैकग्राउंड के वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, पिक्स मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे जो पिक्स आपको चाहिए आप वो चूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पे ये अपने आप से ही आपको ये फिट करके दे देगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कई तरह के मिलते हैं, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे रियल टाइम पे हूँ अभी अभी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे कस्टम बैकग्राउंड की। तो अगर आप कस्टम बैकग्राउंड अपने मतलब गैलरी से या कहीं से फोटो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड पे, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपने कई देखे होंगे कि आजकल व्हाट्सअप फेसबुक पे इमेजेस जो आती हैं वो ब्लर रहता है बैकग्राउंड जैसे DSLR की तरह। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने, आप इसे बढ़ा दीजिए तो आपका ये फ़ोटो DSLR की तरह लगने लगेगा। तो है ना फ्रेंड्स कमाल की है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसे आप दूसरे सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।